नमस्कार, मैं हूं दिवांशी मोइत्रा। देश में एक तरफ जहां कोरोना वायरस जैसी खतरनाक महामारी के चलते लॉकडाउन लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स के बीच बवाल मचा हुआ है। यूं कहें कि टिकटॉकर्स वर्सेस यूट्यूबर्स के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि इस बीच एक ऐसी खबर आई है जो कईयों को निराश कर सकती है। दरअसल टिकटॉक ऐप की रेटिंग्स इन दिनों भारत में बड़ी तेजी से गिर रही है। बता दें कि एप्पल स्टोर पर टिकटॉक की स्टार रेटिंग्स 4.4 से घटकर 3.5 रह गई। वहीं दूसरी तरफ गूगल प्ले स्टोर पर तो टिकटॉक की रेटिंग्स का और भी ज्यादा बुरा हाल हो गया है। यहाँ पर टिकटॉक की स्टार रेटिंग्स 1.6 ही रह गई है। कहा जा रहा है कि यूट्यूबर्स के साथ साथ कई लोग गूगल प्ले स्टोर पर टिकटॉक को 1 स्टार रेटिंग दे रहे हैं। यही नहीं, सोशल मीडिया पर हैशटैग बैन टिकटॉक भी काफी दिनों से ट्रेंड कर रहा है। हालांकि रेटिंग में गिरावट को लेकर अभी तक किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, लेकिन ये बात तो तय है कि टिकटॉक को लेकर लोग खासे नाराज हो रहे हैं। बता दें कि बीते दिनों ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर रोस्ट करने वाले कैरी मिनाती यानी अजय नागर ने एक रोस्ट वीडियो बनाया था। इस वीडियो में कैरी ने टिकटॉकर आमिर सिद्दीकी को रोस्ट किया था। हालांकि इस विवाद में कैरी को टिकटॉक स्टार ने ही घसीटा था, लेकिन बाद में इसका परिणाम कहीं ना कहीं कैरी मिनाती को ही भुगतना पड़ा। YouTube ने कैरी मिनाती के चैनल से रोस्ट वाला वीडियो हटा दिया था। बस फिर क्या था, कैरी के फैंस, उनके दोस्तों और कई मशहूर यूट्यूबर्स को इस बात पर गुस्सा आ गया और उन्होंने टिकटॉक को बैन व बॉयकॉट करने की अपील भी की। इसी कड़ी में मशहूर यूट्यूबर अमित भड़ाना, आशीष चंचलानी, हर्ष बेनीवाल शामिल है। वही बिग बॉस 13 का हिस्सा रह चुके हिंदुस्तानी भाव ने भी टिकटॉक को बॉयकॉट करने की अपील की। बता दें कि ये मामला अभी ठंडा पड़ा भी नहीं था कि टिकटॉक स्टार फैजल सिद्दीकी ने एक विवादित वीडियो बनाकर टिकटॉक पर अपलोड कर दिया। दरअसल फैजल सिद्दीकी इस वीडियो में एसिड अटैक का महिमा मंडन करते दिख रहे थे। लोगों को ये वीडियो पसंद नहीं आई, जिसके बाद फैजल सिद्दीकी के टिकटॉक अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया। फैजल सिद्दीकी का ये वीडियो एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल और पूजा भट्ट को भी काफी खराब लगा और उन्होंने इस वीडियो पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। इतना ही नहीं, टिकटॉक को बैन करने को लेकर हाल ही में बॉलीवुड एक्टर परेश रावल ने भी ट्वीट किया था। इसके अलावा टीवी एक्टर प्रियांक शर्मा और कुशाल टंडन भी टिकटॉक को बैन करने पर अपना समर्थन दे चुके हैं। बार बार विवादों में आने से टिकटॉक का नाम और इमेज दोनों ही खराब हो रहे हैं। वही टिकटॉक और यूट्यूब के क्रिएटर्स के बीच हो रही बहस का नुकसान भी टिकटॉक को उठाना पड़ सकता है। बता दें कि पहले भी कोर्ट में टिकटॉक को बैन करने को लेकर सुनवाई की जा चुकी है। पिछले साल ऐसी खबरें आने लगी थी कि मानो टिकटॉक को बैन कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया गया। हालांकि टिकटॉक पर हमेशा ही धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, एसिड अटैक को बढ़ावा देने, भद्दे कंटेंट और सेक्सुअल कंटेंट को लेकर आरोप लगते रहे। ऐसे में देखने वाली बात तो अब ये होगी कि क्या इस बार वाकई में टिकटॉक को भारत में बैन किया जाएगा या नहीं। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, क्या टिकटॉक को बैन कर देना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।